आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया राज्यसभा सीट का ऑफर ठुकरा दिया है। राजन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका शिकागो यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर भारत में राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है। बुधवार को शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से रघुराम राजन की सफाई जारी की गई। सफाई में कहा गया, हालांकि प्रोफेसर रघुराम राजन भारत में शिक्षा से जुड़ी कई गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन फिलहाल उनका शिकागो यूनिवर्सिटी में अपनी फुल टाइम नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दावा किया था कि वो रघुराम राजन से संपर्क में है और पेशकश की है कि राजन पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य बने। माना जा रहा है कि पार्टी में इन तीन सीटों से उम्मीदवारी पाने के लिए कई आप नेता दावा कर रहे हैं, जिससे आंतरिक कलह जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस कलह को ध्यान में रखते हुए रघुराम राजन को राजनीति में लाने की पेशकश की थी। राजन द्वारा राज्यसभा जाने से इनकार करने के बाद अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब किसे राज्यसभा उम्मीदवार बनाते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।